ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, तहसीलदार जगदीश शर्मा, सभी अधिकारियों के साथ व भाजपा मंडल के पदाधिकारी के साथ विश्राम गृह में एक अहम बैठक की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 18 फरवरी को ज्वालामुखी विधानसभा में भाजपा मंडल के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर 18 फरवरी को ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे करोड़ों रूपए के शिलान्यास व उद्घाटन। इसके अलावा मुख्यमंत्री कथोक व खुंडिया में जनसभा भी संबोधित करेंगे, साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। 18 फरवरी को सीएम सुबह 10:30 बजे सपड़ी में कार के माध्यम से खुंडिया के लिए रवाना होंगे और यहां पहुंचने के बाद कॉलेज के भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही लंगड़ू में स्थित सरकारी स्कूल के साइंस ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। एसडीएम ने बताया कि उद्घाटन के साथ ही खुंडिया में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम ज्वालामुखी में कथोक व अन्य जगहों पर भवन के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर ज्वालाजी भाजपा मंडल द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं सीएम के स्वागत के लिए यहां विशेष व्यवस्था की गई है। ज्वालामुखी के बाद शीतकालीन प्रवास के दूसरे चरण में सीएम जयराम ठाकुर का ज्वालामुखी और देहरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा तय हो गया है। इस दौरान वे करोड़ों रूपए की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। खुंडिया कथोक व डलियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं हरिपुर तहसील व पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन का भी शुभारंभ सीएम जयराम ठाकुर ढलियारा से करेंगे। देहरा में पुलिस क्वार्टर भवन का लोकार्पण करने के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। शाम करीब 4 बजे सपड़ी हेलीपैड से शिमला के लिए रवाना होंगे। सोलन में कुछ दिन पहले जाने माने व्यापारी की गाड़ी पर हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी पर हमला हरियाणा की गैंग ने किया था। हमला कर गैंग के सदस्य मौके से फरार हो गए थे, लेकिन सोलन की मुस्तैद पुलिस ने इन हमलावरों में से 2 सदस्यों को परवाणु से पकड़ लिया था। कुछ सदस्य भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सोलन पुलिस भागे गए सदस्यों को लगातार पीछा कर रही थी, जिनमें से पुलिस ने गैंग के 2 और सदस्यों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द अब खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस गैंग ने व्यापारी संजय मित्तल की गाड़ी पर हमला क्यों किया था और किसके कहने पर किया था। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि गाड़ी पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर मौके से फरार दहशतगर्दों के 2 सदस्यों को पहले से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें आज फिर से 5 दिनों का रिमांड मिला है। वहीं 2 और सदस्यों को पंचकुला से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों सदस्य हरियाणा जीप के हैं, जिनके नाम बूटा सिंह और सोहन लाल है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इस गैंग ने व्यापारी की कार पर हमला क्यों किया था, लेकिन जल्द ही इसका भी खुलासा हो जाएगा। सोलन में कंडा घाट में मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर ने एक निजी स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर एमपी सुरेश कश्यप, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मंत्री राजीव सैजल, विधायक धनीराम शौंडिल बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। स्कूल में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जो सपने निवेश को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमाचल ने देखे थे, वे आज पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द और भी निवेशक यहां आएंगे और हिमाचल का लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ की ऊंचाई और गहराई दोनों खतरनाक होती हैं और जो इन पर विजय पा ले वही असली खिलाड़ी होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता था कि पहाड़ों पर कौन निवेश करने आएगा, लेकिन आज इस स्कूल प्रबंधन ने साबित कर दिया है कि निवेश के लिए जगह ही नहीं बल्कि हौसले की जरूरत होती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर ने कहा कि स्कूल के साथ सरकार का 250 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ था, जिसका न केवल एमओयू हुआ है बल्कि आज इस स्कूल का उद्घाटन भी कर दिया गया है। ये प्रदेश सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धि है और इन्वेस्टर मीट पर उंगली उठाने वाले लोगों के लिए करारा जवाब भी है। इस स्कूल के आरंभ होने से ये साबित हो जाता है कि प्रदेश सरकार के साथ
जो MOU किए गए हैं वे अब हकीकत बनकर धरातल पर उतरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में 6000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और 1000 के करीब लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, जिसका इस क्षेत्र के विकास में अहम योगदान रहेगा।